सवाल आया है कि रोज़े की हालत में इंजेक्शन लेना कैसा है। इंजेक्शन के हवाले से देखना होगा कि इंजेक्शन किस चीज़ का है। अगर वो इंजेक्शन जो है सिर्फ़ और सिर्फ किसी तकलीफ बीमारी के लिए है कि जिसका इंसान के जिस्म में किसी तरह की गजाइत उस हासिल नहीं हो रही, कोई ख़ुराक मुहैया नहीं कर रहा, जिस्म को वो ताकत नहीं मिल रही, लेकिन सिर्फ इलाज और बीमारी के लिए है, तो ऐसे इंजेक्शन लगाया जा सकता है। क्योंकि जो कायदा कुलिया है रोज़ा तोड़ने के हवाले से कि अगर जिस्म में कोई ऐसी चीज़ दाखिल की जाए कि जिससे जिस्म को तकवियत पहुँचे, गजाइत मिले, तो तब रोज़ा टूटता है। लेकिन अगर कोई चीज़ इलाज के तौर पर, मुआलजे के तौर पर दाखिल की जाती है और उससे जिस्म को वो ताकत नहीं पहुँचती, तो ऐसी चीज़ दाखिल करने से यानी कि इंजेक्शन वगैरह लगाने से जो है उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। तो इसमें हम जानते हैं कि इंजेक्शन दो तरह के होते हैं। बाद जो है वो ड्रिप्स होती हैं ग्लूकोज़ वगैरह की, तो जो जिस्म को ताकत देती हैं, तो कोई शक नहीं कि उससे रोज़ा टूट जाता है। लेकिन आम जो इंजेक्शन बीमारियों के, तकलीफ़ों के, इस तरह की चीज़ों के होते हैं, उससे रोज़े के ऊपर कोई असर नहीं और रोज़ा ठीक है, सही है।